समरे से इंशाल्लाह ताला हम करवा लेंगे। अब बाकी जो शिकायत है वहाँ पे, ये बड़ी जहनमन है आपकी कि जब कोई घर बनाने लगता है तो कब्जा ग्रुप आ जाता है, ये आ जाता है, ये ज़रा पीएसओ साहब पुलिस से जो है हमारे आप नोट कर आई जी साहब को कह के ना वहाँ एक पेट्रोलिंग पोस्ट हम बना देते हैं और वो पक्की पर बने रहे कब्जा ग्रुप को हमने पास नहीं रहे। इन साफियों का ध्यान रखना है, इतना इनकी फैमिलीज का ध्यान रखना है कि कोई कब्जा ग्रुप ना आए, जो प्लाट ये अलाट करें वो इनको मिल जाए तो उसके बाद ओनरशिप जो है उसमें बड़ी क्लैरिटी हो जाएगी, वो निज़ाम बिल्कुल सही होना चाहिए। और बाकी जो आपका निज़ाम है सीवरेज का, और वो आप उस हवाले से देख लें कि कैसे उसको बेहतर तरीके से करना है। और उसमें भी हम थोड़ी बहुत ग्रांट में आपकी हेल्प कर देंगे, ख़ास तौर पे सीवरेज में और जो वहाँ लोकल सड़कें हैं। और फिर एक पार्क भी मैंने बनाया था वहाँ, बड़ा खूबसूरत पार्क था, तो पानी रहता है बहुत खूबसूरत। बल्कि मैंने आना है ना, मैं करने आऊँगा आई जी साहब। इसी तरह फिर मैंने मुल्तान में कॉलोनी बनाई, पहले प्रेस क्लब बनाए, वहाँ प्रेस क्लब ही नहीं था, बिल्डिंग ही नहीं थी, मैंने बिल्डिंग बनाई। फिर यहाँ तो मरहूम भाई साहब अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे वो बना गए थे, तो वहाँ फिर दोनों काम किए। फिर मुल्तान साहब से मैंने बार बार कह के तो वो वहाँ की कॉलोनी के लिए फंड भी दिए, अब तो माशाल्लाह काम चल पड़ा है वहाँ पर। तो अब इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश है कि फैसलाबाद में अब अगला हमारा टारगेट है कि वहाँ हम एक प्रेस क्लब उनको दें, और उसके लिए हम प्रेस क्लब है सोसाइटी, हाँ सोसाइटी का वो असल में मैंने पहले भी कहा था जब ये हॉर में किया था, तो उनका आपस में वो कोई जो इतनी ख़राबी हो चुकी थी वो यहाँ से कोई ग्रुप जा के कम अज़ कम इलेक्शन करा दे और क्लैरिटी हो गई तो ठीक है उनको। अच्छा बस ठीक है, फिर उनके लिए भी हम दोनों इंशाल्लाह ग्रांट भी कर देंगे, दोनों ग्रुप तक आ रहे हैं जी, दोनों ग्रुप आ रहे हैं उनको ग्रांट भी कर देंगे और तरीकाकार भी बना देंगे जिस तरह करना है, और बलूनी भी इंशाल्लाह ताला बनाएंगे। इसी तरह देखेंगे बाकी जो बड़े शहर हैं मसलन कई हैं, वहाँ कोशिश करेंगे जो छोटे अजला हैं वहाँ हम करेंगे, जो लोकल कौंसलें हैं या लोकल जो फंड होते हैं उनके पास वहाँ से कुछ फंड करके तो प्रेस क्लब वहाँ उस सतह पर भी बना दें, तो इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला इसको आगे हम बढ़ाते रहेंगे। मैं यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि जो टेलीथॉन इमरान खान साहब ने की थी उस हवाले से बड़े अच्छे रिजल्ट आए हैं, और वो हमने जो ख़ास तौर पे काम किया था उसमें हमें 2.5 अरब रुपया हमें इकट्ठा हुए हैं, वो हमने सानिया रजिस्टर साहब के साथ बैठ के हमने तय किया है कि जो फौरी तौर पे उनको 40% इंशाल्लाह वो ऐप जो बनाई गई है उसमें रियायत मिलेगी उन बेघर लोगों को, और जो बड़ी मुश्किल में खाने पीने का सामान ले रहे हैं तो 40% उनको सस्ती मिलेगी खुराक। और वहाँ कल आए थे हमारे दोस्त वहाँ से जुवेद साहब, ताहिर जुवेद साहब, तो उनको मैंने ये पहले उनको फ़ोन से मेरी बात समझाई थी, कह रहे थे हम क्या ऐलान करें क्या पैसे दें, मैंने कहा यार आप हर ज़िम्मेदार को छोटे काश्तकार को आप सोलर पंप दे दें, क्योंकि बिजली तो यहाँ ठीक होनी नहीं इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ और मुफ्ता साहब की कोशिशों से, तो कम से कम हम उनको फ्री दे दें वो, और वो तो तय हो गया हमारा उनके साथ, और कल वो करके भी गए हैं। तो बाकी हमारा वैसे ही तरीका, ये मैं आपको समझा रहा हूँ ट्रांसपेरेंट तरीका होना चाहिए, वो वैसे ही होना चाहिए, ये नहीं कि जब कोई डोनर बाहर से आए तो उनको
ये शुरू कर दे तमीज़, जैसे शिवाज शरीफ साहब ने माजल के साथ, उन्होंने वो सेक्रेटरी जनरल साहब आए तो बार बार बाजू पकड़ के उनका जी आप फिक्र न करें, एक एक पैसा सही लगेगा, सही लगेगा, आप वह हम ना करें पैसा भाई यदा मतलब तुझे खाते होते हो पैसे यार खुदा खौफ करो चुप करके काम करो, तुझे उसका अकाउंट खोलेंगे तो उसका तो हिसाब होगा। आगे लगाने की मैनेजमेंट है, वहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है, वहाँ के आपके भी MNAs हैं, हमारे भी MPs हैं, वो एक दूसरे का माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं वैसे ही और कोई गलत काम नहीं होने देंगे इंशाल्लाह, तो उसका हमें फिक्र नहीं करना चाहिए। और जब खैर जो वैसे आसान तरीके से शबाज साहब मांग सकते हैं कोई नहीं मांग सकता, वो माशाल्लाह बहुत उनको आता है। ठीक है, टर्की जब गए तो मेरा ख्याल है उन्होंने देर सी बजे बजे अथवा, लेकिन बहरहाल उनको पता है कि यहाँ वो एक दफ़ा हार ही सारा बिक गया था जिले में, उसका पता ही नहीं चला था हार किधर चला गया। तो आज के हवाले से मैं ये कहूँगा कि आपके जो सहाबी बरादरी है, ये मैं दिल की गहराइयों से उनकी कदर करता हूँ कि आपका बहुत ही मुश्किल काम है। सच्ची बात है कि आपका बहुत मुश्किल काम है, आप जो खबर लेके आते हैं और जो चीज़ें तजिए माशाल्लाह निकाल के लाते हैं, उसका अगर सही मायने से हुक्मरानों के अंदर कोई ईमान की रत्ती हो तो वो ज़रूर सोचते हैं कि यार आखिर अल्लाह ने हमें ये उदा, ये तो आनी जानी चीज़ है, अल्लाह दिन फेरता रहता है लोगों के, साढ़ा भी दिन फेर के 22 साल बाद सामू गुजारते तो ये अल्लाह की करम नवाजी। मैं तो रोज़ सोचना या अल्लाह मैं रोज़ को काम ऐसा करा। अब ये 1122 को अब बेहतरीन कर दिया हमने, अब इसको छोटे छोटे ज़िला में ले गए और एक एमरजेंसी सर्विस बना दिए कि कहीं भी आप कहीं से खड़े होके कम से कम फ़ोन करते हैं। एमरजेंसी में मैंने दवाइयाँ सारी फ्री कर दी और वो, और मैं ये भी कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला, जो कि आज लाहौर प्रेस क्लब की आपकी सरबराई में, कि जो भी प्रेस क्लब के मेंबर हैं उनके लिए फ्री दवाई तो वैसे ही है सबके लिए, उनके लिए ऑपरेशन भी फ्री कर दें। क्योंकि मुझे पता है कि प्रेस क्लब के जो सबसे ज़्यादा उनको होता है ना, वो हर चीज़ में दिल से ला लेते हैं, ऑपरेशन बड़े करा देने दिल से, क्यों जी इंसारी साहब थोड़ा दिल ठीक हो गया ना। तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला इसका हम बैठ के सेक्रेटरी साहब हम बैठ के ना इसका हम तरीका बना लें, और जो भी इनकी तरफ से रिक्वेस्ट आए उसको फौरी असेस करके, ये नहीं कि बंदा फारग हो जाए तो उसके पास बनता रहे बिल, नहीं, पहले उनको पैसे दें हॉस्पिटल को। वैसे भी सेहत कार्ड बड़ा अच्छा जा रहा है, इमरान खान साहब की स्कीम है, बड़ी कामयाब स्कीम है, तो उसमें हम फौरी तौर पर कोशिश करेंगे सेहत कार्ड भी दे दिए जाएँ, और फिर उसकी अमल दरामद के लिए प्रेस क्लब का जो भी सदर होगा उदेदार होगा उसको साथ रख के फौरी तौर पे इंशाल्लाह इलाज शुरू हो जाए। पैसे इंशाल्लाह ताला हम लिख के दे देंगे उनको उस हॉस्पिटल को कि पैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब देगी। उधर जगह है क्यों जगह है सर, ये कह रहे अगर जगह है तो बिल्कुल मैं ऐलान कर रहा हूँ इंशाल्लाह वो आपको शुक्रिया। कोई आप और बाकी
फ्लड के हवाले से भी ज़रूर आप जो बड़ी मुश्किल में जाके आप जगह जगह हाईलाइट कर रहे हैं, इस पर भी मैं आपको खराज तसीम पेश करता हूँ। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है, हमारे सारे गुजरा और MPAs MNAs, मैं खुद भी जा गया हूँ वहाँ पे, और इंशाल्लाह वहाँ हमने अब फैसला किया है, ये जो अभी हमारी रिसेंटली मीटिंग हुई है, कि हमने 8 लाख से बढ़ा के 10 लाख रुपए तक घर बनाने की ग्रांट का ऐलान किया है, और 4 लाख रुपए फीकास कच्चे घर पर 2 लाख माली इमदाद वो भी दी जाएगी, जिसके जानवर का नुकसान हुआ उसकी 75,000 रुपये माली इमदाद दी जाएगी, जिसका जानवर का नुकसान हुआ है, कोई लाइफ स्टॉक जिसमें कोई उनका जो गाय भैंस जाती रही है उनका खाना पीना तो वहीं से आता है।